देहरादून में श्री नंदा राज राजेश्वरी जन कल्याण समिति के द्वारा नंदाष्टमी के शुभ अवसर पर मां नंदा की नवी भव्य डोली कलश शोभा यात्रा निकाली गई। नंदा देवी की शोभा यात्रा का आयोजन प्रातः 9 बजे डांडा धर्मपुर में स्थित मां नंदा देवी मंदिर से किया गया। इस दौरान डोली यात्रा में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल हुए। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मां नंदा देवी के दर्शन कर आशीर्वाद दिया। ये डोली यात्रा मां नंदा देवी मंदिर से दिव्य विहार, नेहरू कॉलोनी, डांडा धर्मपुर, बद्रीश कॉलोनी होकर वापस मंदिर में पहुंची। इस शोभा यात्रा में बद्रीश कॉलोनी वार्ड नंबर 48 से पार्षद कमली भट्ट, समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र रावत, कार्यक्रम के संयोजक रणजीत सिंह भंडारी समेत भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। शोभा यात्रा के संपन्न होने के पश्चात विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। देखिए, मैं समस्त देश व प्रदेश वासियों को आज नंदा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और यहाँ पर नंदा राज राजेश्वरी जो समिति के सदस्य हैं उनके द्वारा बहुत एक भव्य मां नंदा डोली की जो यात्रा हुई है, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालु इसमें उमड़ रहे हैं। और एक एक भाव है, आस्था है, आस्था का प्रतीक है, और सभी लोगों को इस तरह बड़े उससे धूमधाम से मनाना चाहिए कि ताकि हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वो भी अपने जो संस्कृति को बनाए रखने के लिए उनके आगे उनको भी हम लोगों को जागरूक करना चाहिए। नंदा की टोली का हमने इससे पहले भी, मुझे लग रहा है कि 10 साल पहले से भी हम इसको लगातार कर रहे हैं। बीच में स्थित कोरोना काल में हम इसको नहीं कर पाए और इस वजह से 2 साल गैप रहने के बाद इस बार हमारी नंदा की डोली भव्य शोभा यात्रा बनी और हजारों की संख्या में श्रद्धालु और हमारे सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम के मेंबर्स और हमारे आयोजक और मां नंदा समिति के मेंबर्स ने इस बार इसका बहुत अच्छे ढंग से क्रियान्वयन किया। हर वर्ष की भांति मां नंदा अष्टमी की मां नंदा की डोली मां राज राजेश्वरी जल कल्याण समिति द्वारा निकाली जाती है, जिसके सम्मानित अध्यक्ष एसएस रावत जी हैं और सती जी हैं। पूरे समिति के द्वारा ये प्रयास विगत 9 वर्षों से किया जा रहा है। इस वर्ष भी बीच में कोविड काल के कारण 2-2.5 साल नहीं निकाल पाए, लेकिन इस वर्ष पुनः ये भव्य डोली मां नंदा की, और क्योंकि मां नंदा का मंदिर भी यहाँ पे स्थापित हो गया है, तो उस मंदिर की स्थापित होने की खुशी में भी आज जो है डोली में भव्य भक्तों ने, मां नंदा के भक्तों ने सम्मिलित होकर इस डोली को मां नंदा का आशीर्वाद प्राप्त किया है। और कल पूर्व में है, कल जो बीता हुआ कल है उसमें भी मां नंदा के जागरों के साथ रात 1-1.5 बजे तक माताएं, बहनें और जितने भक्तगण थे वो जागर में झूमे, नाचे और मां नंदा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। श्री नंदा राज राजेश्वरी जन कल्याण समिति के सचिव सतीश चंद्र सती का कहना है कि नंदा देवी की डोली यात्रा निकालने का उद्देश्य लोगों में आस्था व भाईचारा बनाए रखना है, साथ ही ओझल हो रही उत्तराखंडी संस्कृति को भी बचाए रखना है। उनका ये भी कहना है कि समिति के द्वारा ये डोली यात्रा 2014 से हर वर्ष निकाली जाती है। पहाड़ों से पलायन हो चुकी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, बचाए रखने के लिए एक नंदा राज राजेश्वरी जन कल्याण समिति के तत्वावधान में 2014 से लगातार डोली यात्रा यहाँ पे निकाल रहे हैं अपनी पहाड़ की संस्कृति को बचाए रखने के लिए। इसमें इस वक्त हमारी 9वीं डोली यात्रा है और यहाँ पे जो मंदिर हमने जो बनाया है, मां नंदा देवी का मंदिर यहाँ देहरादून में कहीं पर भी नहीं था, इसी परिप्रेक्ष्य में हमने छोटा सा एक मंदिर यहाँ पे मां नंदा देवी का निर्मित किया है। लोगों की आस्था को देखते हुए हम लोग जनमानस को अपने आपस में जोड़ने के लिए, पहाड़ की संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, भाईचारे का आगे बढ़ाने के लिए भाईचारा, हम लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो है सब लोग मिलकर चले, इसलिए मां नंदा देवी की पूजा अर्चना करते हैं। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश कुमार के साथ दिव्य बहुगुणा की रिपोर्ट।